गाइस के सब सब आई होप सब बहुत बढ़िया हो गए। आज डे 76 हमारे चैलेंज का, और आप सबने लाइक दो कार्स के नाम सुने होंगे, वॉक्स वैगन से आने वाली टिगुआन एंड स्कॉडा से आने वाली कोडियाक। तो ये दोनों जो कार्स है सबको पता है लाइक 7 सीटर में आती है, एंड दोनों बहुत प्रीमियम है, दोनों बहुत लग्जीरियस है, दोनों के प्राइस भी लाइक अच्छा मॉडल आपको 33-34 अबव ही मिलेगा, एक शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों जो कार्स है काफ़ी ऑन रोड है भी, बट इतनी नहीं है बाकी कार से कंपेयर करें तो, क्योंकि प्राइस इनका ज़्यादा है। फिर लाइक इतनी ज़्यादा इनकी लास्ट सीट पे स्पेस नहीं होती जितनी आपको लाइक बाकी 7 सीटर्स में मिल जाती है, बट ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल होती है कार्स लाइक बिल्ड क्वालिटी वाइज एंड इनकी स्पीड, जैसे कि जर्मन इंजन पता है सबको होते हैं। तो उसी बारे में एक बात बतानी थी, जो टिगुआन है हमारी लाइक अभी भी आती है, आपको सिर्फ ऑन ऑर्डर्स मिलती है वो कार्स, लाइक जनरली शोरूम्स में आपको डिस्प्ले में अवेलेबल नहीं होती, ना ही टिगुआन ना ही स्कॉडा से आने वाली कोडियाक। तो हमारी टिगुआन का ऑल स्पेस नया एक वर्जन आने वाला है, एक नया वेरिएंट आने वाला है 2022 के एंड में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में। मेरे पास उसकी पिक्चर्स है ऑल स्पेस की, जो लाइक रिवील हो चुकी है, लाइक जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो वॉल्स वैगन की हमारी टिगुआन की ऑल स्पेस वेरिएंट आने वाला है, मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ ऑनलाइन जो जो है, कि उसकी फ्रंट प्रोफाइल कैसी हुएगी और बैक प्रोफाइल में कितने चेंजेस करे हैं पुरानी वाली टिगुआन से। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो स्टार्ट होते हैं। तो आपको गाइस दिख रही होगी हमारे सामने वॉक्स वैगन टिगुआन ऑल स्पेस 2022 आगे लिखा हुआ है, बट इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च इंडिया में जो होगी वो इसमें Jan 10, 2023 दिखाया हुआ है। तो लाइक कोई बड़ी बात नहीं, 2022 के एंड में भी अनाउंसमेंट कर दे, वरना जान में ही लाएंगे ये लोग। इसकी आप देख सकते हो, आपको फ्रंट प्रोफाइल से ही पता लग रहा होगा लाइक पिछली वाली टिगुआन से कितना डिफरेंस है। एक बार मैं आपको क्लियर पिक्चर दिखा दूँ, तो ये होगी इसकी फ्रंट प्रोफाइल जो आपको टिगुआन ऑल स्पेस में मिलेगी। बिल्कुल लाइक चेंज है, ग्रिल्स का डिज़ाइन चेंज है, DRL का डिज़ाइन चेंज है, हेडलाइट्स का डिज़ाइन चेंज है, लोअर ग्रिल का डिज़ाइन बिल्कुल बदल दिया है। और ये वाली जो कार होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, कोडियाक और टिगुआन जो अभी आती है उससे थोड़ी ज़्यादा आपको स्पेशियस मिलेगी। मैं लास्ट सीट की बात कर रहा हूँ, सबको पता है 5 सीट्स बहुत कंफर्टेबल होती है, जो लास्ट होती है उसी में प्रॉब्लम होती है। वो बेसिकली किड्स के लिए मानते हैं कि लाइक बच्चों के लिए आएंगे, उन्हीं के बस पैर आ पाएंगे, कोई बड़ा नहीं बैठ पाएगा। बट ऑल स्पेस में आपको वो चीज़ दूर हो जाएगी, क्योंकि लाइक वो थोड़ी स्पेशियस होने वाली है पुरानी वाली टिगुआन से, उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। तो आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल आपको थोड़ी बहुत पुरानी वाली टिगुआन जैसी ही लगेगी, एंड ये रही बैक प्रोफाइल आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार क्लियर बैक प्रोफाइल दिखा दूँ, अगर अवेलेबल है तो है। ये आप देख सकते हो नीचे आपको ऑल स्पेस का बैजिंग मिल जाएगी, जो डिफाइन करता है कि ये टिगुआन नॉर्मल नहीं है, ऑल स्पेस वाली है। जो टेल लैम्प से थोड़ी बहुत चेंज है, टेल लैम्प्स के ऊपर एक क्रीसिंग जा रही है जो कि पूरी साइड प्रोफाइल में कंटिन्यू हो रही है, एंड ये DRL आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर पिक्चर। तो ये जो है ये GT में नहीं आएगी, लाइक नॉर्मली आएगी। इसमें 2000 cc का इंजन आता है हमारा, एंड 7 सीटर होती है ये, लाइक 1948 cc का इंजन आता है टू बी प्रिसाइज। एंड इसकी बैक प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, लाइक बिल्कुल प्रीमियम लुक देती है आपको ये, लाइक कोडियाक की फिर आप थोड़ी स्पोर्टी बोल सकते हो, बट टिगुआन की इस मामले में काफ़ी प्रीमियम लुक देती है आपको। एंड यही सारी पिक्चर्स अभी हमारे पास अवेलेबल है ऑनलाइन। एंड ये एक आपको एक अपडेट देना था, ये अलॉयज की भी पिक्चर है, ये लाइक इसी तरह ही होगी, फोर व्हील ड्राइव में आती है ये हमारी ऑल स्पेस। एंड बाकी देखो कैसे आती है, हमारी लोकली अवेलेबल होएगी ये शोरूम्स में या नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ ऑन ऑर्डर से ही आती है, लाइक आपको शोरूम पे डिस्प्ले में अवेलेबल बहुत रेयर मिलती है कोडियाक भी और ऑल स्पेस भी। यही थी हमारी वीडियो, जो मैंने आपको एक अपडेट देना था कि टिगुआन ऑल स्पेस आने वाली है, जो कि आपको ज़्यादा कम्फर्ट प्रोवाइड करेगी पुरानी वाली टिगुआन से और कोडियाक से भी। कोडियाक ने अभी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है कि नया वाला कोई फेसलिफ्ट या फिर उनमें भी कोई ऐसा वेरिएंट जिसमें आपको सबसे एंड वाली सीट में भी लेग स्पेस थोड़ी ज़्यादा मिले, बट हाँ टिगुआन ने ऑल स्पेस निकाल दी है और 3-4 महीने के अंदर आ जाएगी, या तो 2023 के फर्स्ट मंथ में या 2022 के एंड में आ जाएगी। तो आई होप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं कल किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।